गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप सीखीशू ट्रांसफॉर्मेशन और कम्प्लीट द सेंटेन्स में रिमूव टू यूज टू। स्टूडेंट्स, गया वक्त आप चेन्ज द डिग्री डिग्री ऑफ कम्पेरिजन सीखी थी, तेना हूँ दिलगीर छू। स्टूडेंट्स, आपकी वाक्य रचना थी पॉजिटिव डिग्री में एज वाला वाक्य की वाक्य रचना में पाचड़ो विभाग क्रियापद एज विशेषण एज प्लस आगनों विभाग कम्पेरेटिव डिग्री में चेन्ज करवातुँ आगनों विभाग आग आ जाए कम्पेरेटिव डिग्री में पची सहायक क्रियापद और सहायक क्रियापद पची नॉट मूकवात विशेषण ने कम्पेरेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर विशेषण ईआर धेन पची पाचड़ो विभाग मूकवात। अँ पॉजिटिव डिग्री आप सलमान इज एज रीच एज अक्षय, कम्पेरेटिव डिग्री में चेन्ज करवात तो अक्षय पची सहायक क्रियापद इज अने तेना पछी नॉट मूकवानुं हतुं। स्टूडेंट्स, जे हूँ भूली गयो हतो पण तमने अहींया नॉट छे एवुं ध्यान राखवानुं छे, पछी रिचर देन सलमान। स्टूडेंट्स, आवी रीते तमे आ सेंटेन्सने करेक्ट करी लेजो आ विडियोमां जे मैं तमने बताव्युं छे। स्टूडेंट्स, हवे करीशुं ट्रांसफॉर्मेशन ओर कम्प्लीट द सेंटेन्सीसमां रिमूव टू यूज टू। तो रिमूव टू करिए तो तेनी अंदर फर्स्ट मेथड में टू वाला वाक्य नी वाक्य रचना सजीव करता प्लस क्रियापद प्लस टू विशेषण टू मूलरूप कर्म अन्य शब्द। स्टूडेंट्स, टू ने रिमूव करीने तेनी जगह सो देट मुकवामां आवे छे, आ टी डबल ओ नी जगह सो अने टी ओ नी जगह देट, माटे सीखीशू सो देट वाड़ा वाक्यनी वाक्य रचना। सजीव करता प्लस क्रियापद प्लस सो विशेषण धेट पची सर्वनाम ए सजीव करता मुजब आवशे। जो सजीव करता छोकरो छे तो सर्वनाम तरीके ही आवशे, छोकरी छे तो सी आवशे, बहुवचन हशे तो धे आवशे, बाकी जे लखेलू होय अहींया एनू ए अहींया मूकी देवानू छे सर्वनामनी जग्याए। जेम के आई आपेलू हशे तो आई, वी आपेलू हशे तो वी, यू आपेलू हशे तो यू, धे आपेलू हशे तो धे, ही आपेलू हशे तो ही, सी आपेलू हशे तो सी। सर्वनाम पछी कैन अथवा विल अथवा कूड अथवा वुड। तो स्टूडेंट्स, जो क्रियापद वर्तमान काल में हशे तो कैन अथवा विल आवशे, अने जो क्रियापद भूतकाल में हशे तो कूड अथवा वुड आवशे। पछी नॉट, पछी मूलरूप, पछी कर्म, पची होय तो अन्य शब्द। आ वाक्य रचना ने एक्जाम्पल्स ना माध्यम थी समझिए। एक्जाम्पल्स, हेट इज टू डल टू सॉल्व धिस इक्वेशन। आंसर आवशे स्टूडेंट्स, हेट इज सो डल धेट। हवे सर्वनाम मूकवानुं छे आपणने, तो हेत छोकरो छे एटले ही आवशे, कैन विल के कूड वूडमांथी कैन अथवा विल मूकशो, कारण के अहींया जे इज छे क्रियापद वर्तमान काळमां छे तो तमे कैन अथवा विल मूकी शको छो। तो आपणे कैन नॉट मूकी रह्या छीए, कैन नॉट
सॉल्व दिस इक्वेशन। सेकेंड एग्जाम्पल समझिए स्टूडेंट्स, काया वॉज टू हैवी टू रन फास्ट। आंसर आवशे स्टूडेंट्स, काया वॉज आ टू नी जगह सो हैवी, आ टू नी जगह धेट, सर्वनाम तरीके शी आवशे कारण के काया छोकरी छे। हवे कैन विल कूड वूड माथी मूकवानू छे, तो अहींया जे वॉज छे ए भूतकाळनू क्रियापद आपेलू छे एटले कूड अथवा वूड माथी आवशे, तो सी कूड अथवा वूड, तमने कूड मूकवू होय तो कूड पण मूकी शको छो, तो सी वूड नॉट रन फास्ट। स्टूडेंट्स आवी रीते आपणे फिनिश करीए छीए फर्स्ट मेथड। हवे सेकेंड मेथड समझिए स्टूडेंट्स, आज मेथड्स बनावामां आवेली छे ए तमने योग्य रीते समझावा माटे छे। सेकेंड मेथड में टू वाला वाक्य नी वाक्य रचना, अहीं आवशे निर्जीव करता क्रियापद टू विशेषण टू मूलरूप कर्म अन्य शब्द हो तो सो देट वाला वाक्य नी वाक्य रचना, निर्जीव करता क्रियापद सो विशेषण दैट ज्यां आपणे सर्वनाम लखता था त्यां वन आई अथवा वी, पछी कैन अथवा विल माथी और कोड अथवा वुड माथी, एज रीते जेवी रीते फर्स्ट मेथड में समझावेलू छे, पछी नॉट मूलरूप कर्म अन्य शब्द होय तो, पछी इट अथवा धेम। हवे अहींया जे निर्जीव करता हसे ए एकवचन में हसे तो ईट मूकवामां आवशे, अने निर्जीव करता बहुवचन में हसे तो धेम मूकवामां आवशे। वाक्य रचना ने समझिए एग्जाम्पल्स ना माध्यम थी। फर्स्ट एग्जाम्पल इज द सम वॉज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। तमे जोशो अहींया ध सम निर्जीव करता छे, तो ध सम वॉज सो डिफिकल्ट धेट। हवे वन आई अथवा वी माथी तमने जे योग्य लागे एनो उपयोग तमने करवानो छे। वन पण लखी सको छो, आई पण लखी सको छो, वी पण लखी सको छो। हूँ लखी रह्यो छुं आई। वॉज अहींया भूतकाळनुं रूप छे एटले कूड अथवा वूडमांथी आवशे। आई कूड नॉट सॉल्व अने धसम एकवचन छे एटले ईट आवशे छेल्ले। सेकेंड एक्जाम्पल द लेमन जूस इज टू कोल्ड टू ड्रिंक।
द लेमन जूस निर्जीव करता छे इज सो कोल्ड धेट वन आई अथवा वी माथी लखशो तो हूँ लखू छू वन इज वर्तमान कालनुं क्रियापद छे तो केन अथवा विल माथी आवशे तो हूँ लखी रह्यो छू विल नॉट ड्रिंक अने प्रवाही पदार्थों माटे छेल्ले इट एनी अंदर एक वचन के बहुवचन जोवामां आवतुं नथी। स्टूडेंट्स सेकेंड मेथड पते छे हवे करीशु थर्ड मेथड। टू वाड़ा वाक्यनी वाक्य रचना निर्जीव करता प्लस क्रियापद प्लस टू विशेषण प्लस फोर हिम अथवा हर अथवा मी अथवा अस अथवा यू अथवा धेम प्लस टू प्लस मूलरूप प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द फुल पॉइंट। स्टूडेंट्स फोर नी साथे फोर हिम हसे अथवा फोर हर हसे अथवा फोर मी हसे अथवा फोर अस हसे अथवा फोर यू हसे अथवा फोर धेम हसे। सो दैट वाड़ा वाक्य नी वाक्य रचना निर्जीव करता प्लस क्रियापद प्लस सो विशेषण तेना पछी देट। स्टूडेंट्स जो हिम आपेलू हसे फोर नी साथे तो फोर तो निकली जसे हिम नी जगह ही आवशे हर आपेलू हसे तो सी आवशे मी आपेलू हसे तो आई आवशे अस आपेलू हसे तो वी आवशे यू आपेलू हसे तो यू आवशे अने धेम आपेलू हसे तो धे आवशे। पछी केन अथवा विल माथी अथवा कुड अथवा वुड माथी पछी नॉट पछी मूलरूप पछी कर्म पछी अन्य शब्द पछी ईट अथवा धेम। एग्जाम्पल समझिए धिस पोयम इज टू हार्ड फॉर अस टू लर्न। आंसर आवशे धीस पोयम इज सो हार्ड दैट अहीं फोर अस छे फोर निकली जशे वी आवशे हवे कैन अथवा विल अथवा कुड अथवा वुडमांथी अहीं इज आपवामां आवेलू छे एटले कैन अथवा विलमांथी आवशे तो कैन नॉट लर्न इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल टी वॉज टू हॉट फॉर हिम टू ड्रिंक। टी वॉज सो हॉट दैट
અહીંયા ફોર હિમ છે એટલે હી થશે સર્વનામ તરીકે. પછી વોઝ આપેલું છે કે જે સૂચવે છે કે વાક્ય ભૂતકાળમાં છે એટલે કોડ અથવા વોડ, આપણે કોડ મૂકી રહ્યા છીએ, કોડ નોટ ડ્રિંક. અને પછી એટ પ્રવાહી પદાર્થ છે તેના માટે એટ જ મૂકવામાં આવશે. સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયા પતે છે થર્ડ મેથડ અને અહીંયા આપણે શીખ્યા રિમૂવ ટુ. હવે શીખીશું યુઝ ટુ. સ્ટુડન્ટ્સ યુઝ ટુ માટે કોઈ રૂલ નથી. આપણે ફર્સ્ટ મેથડ, સેકન્ડ મેથડ અને થર્ડ મેથડમાં જે શીખ્યા છીએ એનો રિવર્સ કરવાનો છે. એનો મતલબ સો દેટ વાળા વાક્યમાં આપવામાં આવેલું હશે, સો દેટ વાળો વાક્ય આપવામાં આવેલું હશે એને ટુ વાળા વાક્યમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે, એટલે કે રિવર્સ કરવાનું છે. એક્ઝામ્પલ્સના માધ્યમથી સમજીએ. એક્ઝામ્પલ્સ ફર્સ્ટ, સુલતાના વોઝ સો ફેટ દેટ શી કુડ નોટ વોક ફાસ્ટ. યુઝ ટુ કરવાનું છે એટલે સોની જગ્યાએ ટુ અને દેટની જગ્યાએ ટીઓ ટુ મૂકવાનું છે. તો સુલતાના વોઝ ટુ ફેટ ટુ સી કુડ નોટ સુધી આપણા દ્વારા ઉમેરવામાં આવેલું હોય છે એ કાઢી નાખીશું. વોક ફાસ્ટ, આવી રીતે આપણે યુઝ ટુ કર્યું. સેકન્ડ સેન્ટેન્સ સમજીએ. કમલ ઇઝ સો પુઅર ધેટ હી વિલ નોટ હેલ્પ એનીબડી. કમલ ઇઝ સોની જગ્યાએ ટુ, પુઅર દેટની જગ્યાએ ટુ, હી વિલ નોટ આપણા દ્વારા ઉમેરવામાં આવેલું હોય છે એટલે હી વિલ નોટ નીકળી જશે, આવશે હેલ્પ એનીબડી. નેક્સ્ટ, ધીસ બુક ઇઝ સો ઓલ્ડ that I cannot read it. This book is too old to I cannot આપણા દ્વારા ઉમેરવામાં આવેલું હોય છે નીકળી જશે read, અને ઇટ પણ આપણા દ્વારા ઉમેરવામાં આવેલું હોય છે એ પણ નીકળી જશે. આવી રીતે હોઈ શકે છે સ્ટુડન્ટ જવાબ. તમે આવી રીતે પણ લખી શકો છો અને સેકન્ડ મેથડ મુજબ આવી રીતે લખી શકો છો અને થર્ડ મેથડ મુજબ આવી રીતે પણ જવાબ હોઈ શકે છે. ધીસ બુક ઇઝ ટુ ઓલ્ડ ફોર મી ટુ રીડ. અહીંયા પરમાનન્ટલી આઈ મૂકવામાં આવેલું છે તો કદાચ ફોર મી આપેલું હશે એટલે આઈ મૂકવામાં આવેલું હશે એવું પણ શક્ય છે. જો કે તમે આ જવાબ લખશો તો પણ સાચું છે અને આ જવાબ લખશો તો પણ સાચું છે. ફોર્થ, ધ વોટર વોઝ સો ઇમ્પ્યોર દેટ One would not drink it. આન્સર લખીશું સ્ટુડન્ટ્સ. અહીંયા તો સેકન્ડ મેથડ જ લાગુ પડશે કારણ કે વન આપવામાં આવેલું છે. ધ વોટર વોઝ ટુ ઇમ્પ્યોર ટુ
वन वुड नॉट आपड़ा द्वारा उमेरेलू होय छे એટલે નીકળી જશે ડાયરેક્ટલી આવી જશે ડ્રિંક અને ઇટ પણ આપડા દ્વારા ઉમેરવામાં આવેલું હોય છે એટલે એ પણ નીકળી જશે આન્સર આવી જશે આ ધ વોટર વોઝ ટુ ઇમ્પ્યોર ટુ ડ્રિંક ફિફ્થ એક્ઝામ્પલ એન્ડ લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ ધીસ શર્ટ ઇઝ સો ડર્ટી દેટ He cannot wear it. Answer lakhisu. This shirt is too dirty. Students, અહીંયા he લગાડવામાં આવેલું છે તો for him આપેલું હશે એટલે he લગાડ્યું હશે પછી to cannot નીકળી જશે વિયર એટ પણ આપણા દ્વારા ઉમેરવામાં આવેલું હશે એટલે એટ પણ નીકળી જશે તો આન્સર વિયર સુધી ધીસ શર્ટ ઇઝ ટુ ડર્ટી ફોર હિમ ટુ વિયર સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયા પતે છે આપણું રિમૂવ ટુ યુઝ ટુ નેક્સ્ટ ટાઈમ મળીશું નેક્સ્ટ ટોપિક સાથે સ્ટુડન્ટ્સ જો તમને અમારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઈક શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ સપોર્ટર્સ થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ્સ